बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कीटी हेल्प में मैं आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग फार्मूला शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, अपनी वीडियो को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को मज़ीद प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अपनी आज की वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक नीट एंड क्लीन बाउल लेना है और इसमें आपने एक टी स्पून एलोवेरा जेल ऐड करनी है। नेक्स्ट इसमें आपने तिब्बत स्नो क्रीम ऐड करनी है। तिब्बत स्नो क्रीम के बारे में हर कोई जानता है, बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है, बहुत ही, मैंने पहले भी इस पर बहुत सी वीडियोस बनाई है, वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है। तो इसमें हम इसको यूज़ करेंगे। हमारा मेन इंग्रेडिएंट इसमें तिब्बत स्नो क्रीम है। ये आपको मार्केट से ईजिली मिल जाएगी और 100 की रेंज से में मिल जाएगी, इसे कम प्राइस में ही आपको मिलेगी और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। हमारी मदर्स जो हैं वो बहुत अरसे से इसको यूज़ कर रही हैं। ये आपकी स्किन पर से पिम्पल्स को रिमूव करता है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छी ब्राइटनेस और फेयरनेस देती है। ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। हम इसमें इसका 1 टीस्पून ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें आपने बेटनोवेट क्रीम ऐड करनी है। इसकी तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर आपने इसमें बेटनोवेट क्रीम ऐड करनी है। बेटनोवेट से आपकी अगर स्किन पर पिम्पल्स हैं तो वो इससे ट्रीट तो वो इससे रिमूव होंगे। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं तो वो भी इससे रिमूव होंगे। तो इन तमाम इन्ग्रीडियंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। आप इसको बनाकर एक वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं। आपने इसको किसी एम्प्टी जार में स्टोर कर लेना है। और आपने इसको कैसे यूज़ करना है, आप इसको अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसको दिन में किसी भी टाइम ऐसी इसी तरह अप्लाई कर लेना है और एक दफ़ा रात को सोने से पहले इसको अप्लाई करना है। जब भी आपकी स्किन के अब्जॉर्ब हो जाए तो आपने इसको लगा रहने देना, इसको रिमूव नहीं करना। इससे एक तो आपको एक वीक के अंदर आपको बहुत अच्छी ब्राइटनेस मिलेगी, आपकी स्किन में बहुत अच्छी फेयरनेस आ जाएगी। तिब्बत क्रीम के रिजल्ट को डबल कर देगी और आपकी स्किन पर अगर डार्क स्पॉट्स और पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो वो भी इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे और ऐसा भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपने इसको 2 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा इसको अप्लाई करना है। बहुत अच्छी रेमेडी है, आज की टिप है। फॉर्मूला क्रीम मैंने आपको छोटी सी बनाकर सिखाई है जो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। तो ये आपको आप बनाकर इसको स्टोर करें और किसी हर तरह की स्किन टाइप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें ग्लाइसरीन की 1 टीस्पून ऐड कर लीजिएगा। अदरवाइज ऑयली स्किन वालों के लिए आज की ये फॉर्मूला क्रीम बेस्ट है। तो हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, हर एज का बंदा इसको यूज़ कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।